हम वहां के नेटिव्स कहलाएंगे और नेटिवाइजेशन मतलब क्या है नेटिवाइजेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग नेटिव किसी चीज को नेटिव बनाने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं नेटिवाइजेशन सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश इंग्लिश क्या है फॉरेन लैंग्वेज है हमारा लैंग्वेज नहीं था ये ब्रिटिशर्स का लैंग्वेज था अमेरिकन का लैंग्वेज था लेकिन अब हम इसे इतना ज्यादा यूज करने लगे हैं अपने तरीके से इसे बोलने लगे हैं कि इंग्लिश जो है एक तरीके का नेटिव लैंग्वेज हो गया है तो हम इस लैंग्वेज को इंग्लिश को बोलकर चेंज कर कर कुछ ऐड कर कर हमने इसके अंदर इंडियननेस लाया है सो नेटिवाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच इन द वर्चुअल एबसेंस ऑफ native speakers who are the native speakers britishers and americans a language undergoes new phonological morphological syntactical semantic and stylistic changes एंड गेंस न्यू नेटिव स्पीकर अब ये न्यू नेटिव स्पीकर कौन है इंडियन तो लैंग्वेज में कुछ चेंजेस लाके कौन से चेंजेस फोनोलॉजिकल चेंज मॉर्फोलॉजिकल सिंथेटिकल सीमेंटिक स्टाइलिस्टिक मतलब ग्रामर में कुछ चेंज लाकर उसके वर्ड स्ट्रक्चर में चेंज लाकर उसको नेटिव लैंग्वेज बना दिया गया है और उस नए इंग्लिश के हम कौन है नेटिव स्पीकर तो इस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ऐसे आ सकता है what do you understand by the term nativization of english in the context of indian english give example the nativization of english in the context of india refers to the process by which english a language introduced by a british colonizer has become indigenized and adapted to suit the linguistic and cultural context of india तो इंग्लिश को इस तरीके से अडेप्ट किया गया इस तरीके से उसके अंदर कुछ चेंजेस लाया गया ताकि वो इंडिया के लिंग्विस्टिक और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को सूट कर सके नेटिवाइजेशन इनवॉल्स द इंटीग्रेशन ऑफ इंग्लिश इनटू लोकल लिंग्विस्टिक लैंडस्केप रिजल्टिंग इन द इमरजेंस ऑफ इंडियन इंग्लिश एज अ डिस्टिंक्ट वेराइटी विद इट्स ओन वोकेबलरी ग्रामर प्रनिएशन एंड यूज पैटर्न इन इंडिया इंग्लिश हैज़ अ यूनिक स्टेटस एज अ सेकेंड लैंग्वेज एंड होल्ड सिग्निफिकेंट सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज इट सर्व एज अ मीन्स ऑफ अपवर्ड सोशल मोबिलिटी अ मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड कम्युनिकेशन इन वेरियस प्रोफेशनल डोमिन्स तो यहाँ पे इंग्लिश का इम्पोर्टेंस बताया गया है कि इंडिया के हर फॉर्मल प्लेस पर इंग्लिश का यूज इंडियन लैंग्वेज से ज्यादा होता है

इंडियन इंग्लिश डेवलप हुआ विच रिफ्लेक्ट द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी एंड कल्चरल न्यूंस ऑफ द कंट्री न्यूंस मीन्स बहुत ही छोटा सा डिफरेंस साउंड में हो सकता है मीनिंग में हो सकता है इंडियन इंग्लिश इनकॉर्पोरेट्स एलिमेंट फ्रॉम रीजनल लैंग्वेजेस तो इंडियन इंग्लिश कहाँ से एलिमेंट्स लेता है रीजनल लैंग्वेजेस में इंक्लूडिंग वोकैब्लरी जिसमें वोकैबलरी होता है इडियोमैटिक एक्सप्रेशन होते हैं सिंथेटिक रीजनल लैंग्वेज के इट ऑल्सो एग्जिबिट्स वेरिएशन इन प्रोनाशिएशन इन्फ्लुएंस्ड बाय रीजनल एक्सेंट एंड स्पीच पैटर्न फर्दर मोर इंडियन इंग्लिश हैज इट्स ओन सेट ऑफ सोशल लिंग्विस्टिक नॉर्म्स एंड कन्वेंशन द यूज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज ऑफन इन्फ्लुंस्ड बाय

It is important to note that the nativization of English in India does not imply a dilution or degradation of language but rather reflect its dynamic nature and adaptability. टू लोकल कॉन्टेक्सट इसका क्या मतलब हुआ कि नेटिवाइजेशन को हम लोग को इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को डिग्रेड कर दे रहा है मतलब उसको वीक कर दे रहा है क्योंकि वो दूसरे लैंग्वेज से मिक्सअप कर दे रहे हैं लोग अपने नेटिव लैंग्वेज बना दे रहे हैं बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि जो इंग्लिश है उसका डायनेमिक नेचर के बारे में सोचना चाहिए अडेप्टबिलिटी के बारे में जानना चाहिए कितना अडेप्टबल है कि वो लोकल कॉन्टेक्स्ट में आराम से फिट हो जा रहा है इंडियन इंग्लिश इज अ वाइब्रेंट एंड इवॉल्विंग वेराइटी दैट कंटिन्यूज टू शेप एंड बी शेप्ड बाई दोशियो कल्चरल फैब्रिक ऑफ द कंट्री नी समैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर द नेटिवेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया मतलब हम कुछ फैक्टर्स देखेंगे जिसके वजह से इंग्लिश में कुछ इंडियन आया है सो हियर इज द फर्स्ट पॉइंट ट्रांसफर ऑफ कॉन्टेक्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेविएशन इन इंडियन इंग्लिश इज द ट्रांसफर ऑफ कल्चरल पैटर्न च आर एबसेंट और डिफरेंट फ्रॉम दोज कल्चर्स वेर इंग्लिश इज यूज एज द फर्स्ट लैंग्वेज तो हम कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं ऐसे फ्रेजेस यूज करते हैं तो जहां पे इंग्लिश जो है फर्स्ट लैंग्वेज है जैसे कि ब्रिटेन में और अमेरिका में फर्स्ट लैंग्वेज है तो वहां के लिए ये जो इंग्लिश जो हम लोग इंडिया में यूज करते हैं वो कॉमन नहीं है उनको नहीं पता है क्योंकि वो इंडियंस जो हैं अपने कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं तो जो कॉमनिस्ट एग्जाम्पल है वो कास्ट सिस्टम से रिलेटेड है सोशल एटीट्यूड से रिलेटेड है टेबूज सुपरस्टिशन नोशन ऑफ सुपीरियोरिटी इन्फीरियोरिटी तो इन सब कॉन्टेक्स्ट में इन सब कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में इंडिया के पास अपने बनाए हुए इडियम्स हैं वर्ड्स हैं फ्रेजेस हैं फिर है ट्रांसफर ऑफ एल वन आइटम्स टू एल टू एल वन क्या है लैंग्वेज वन और एल टू लैंग्वेज टू तो एल वन तो लैंग्वेज वन जनरली हमारा मदर टंग होता है जिसमें हम अपने फैमिली के साथ इंटर करते हैं और यहाँ पे लैंग्वेज टू जो है वो इंग्लिश है तो यहाँ का जो नेटिवाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे हुआ है लैंग्वेज वन के कुछ एलिमेंट्स लैंग्वेज टू में ट्रांसफर किए जाए दिस ट्रांसफर ऑफ मदर टंग मीनिंग्स टू आइटम्स ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश मे बी लेक्सिकल इन नेचर और मे इन्वॉल्व हायर यूनिट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन लाइक सेंटेंस क्लॉज फ्रेज एक्सेट्रा तो ये बोल रहे हैं कि बड़े बड़े डिस्क्रिप्शन जैसे कि सेंटेंस हो गया क्लॉज हो गया फ्रेज हो गया वो लैंग्वेज वन से लैंग्वेज टू में ट्रांसफर किया जाता है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया है द वर्ड फ्लावर बेड तो जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है उसमें ये फ्रेज जैसा कुछ नहीं है फ्लावर बेड जैसा कुछ नहीं है लेकिन इंडियन इंग्लिश में इसे बेड बोलते हैं मतलब जो मैरिज से रिलेटेड बेड हो सुहाग का सेज उसे बोलते हैं फ्लावर बेड ट्रांसफर एट हायर लेवल्स में इन्वॉल्व सेंटेंस कलोकेशन कलोकेशन मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और कंपाउंड नॉट यूजली फाउंड इन स्टैंडर्ड वेराइटी मतलब स्टैंडर्ड इंग्लिश में हमें वो सारी चीजें नहीं मिलती जो इंडियन इंग्लिश में है और वो किसके थ्रू आया है फर्स्ट लैंग्वेज से मतलब इंडियन लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसफर किया गया है फॉर एग्जाम्पल दीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड सॉल्ट गिवर इन ब्रिटिश इंग्लिश वुड इंडिकेट अ मैन विल गिव सॉल्ट तो सॉल्ट गिवर का अगर हम सीधा सीधा मीनिंग देखेंगे ब्रिटिश इंग्लिश में या फिर अमेरिकन इंग्लिश में भी तो उसका क्या मतलब होगा एक आदमी जो सॉल्ट देता है लेकिन इंडियन इंग्लिश में इसका मतलब अलग है अ पर्सन हु प्रोवाइड सब्सिस्टेंस मतलब एक इंसान जो हमें सब्सिस्टेंस प्रोवाइड करता है मतलब बेसिक चीजें बेसिक नीड्स हमें प्रोवाइड करता है उसे बोलते हैं सॉल्ट गिवर दस कल्चरल सिमेंटिक वैल्यूज आर ट्रांसपोज ऑन टू द्रिटिश इंग्लिश बी मींस ब्रिटिश इंग्लिश देन नेक्स्ट इज इंडियन इंग्लिश कोलोकेशन कोलोकेशन मतलब जैसे मैंने पहले बताया कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड तो किसका कॉम्बिनेशन हो रहा है इंडियन इंग्लिश का और ब्रिटिश इंग्लिश दिस इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ इंडियन इंग्लिश वर्ड्स टू द वोकैबलरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज देर कैन बी वेरियस फॉर्म ऑफ कोलोकेशन एंड डिटेल ऑफ दोन वी डील विद मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इंग्लिश मॉर्फोलॉजिकल मतलब लैंग्वेज का स्ट्रक्चर हाउ एन इंटरेस्टिंग प्रोसेस डेट इट फॉर्मेशन ऑफ दिस कोलोकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिलीशन मतलब की कुछ डिलीट कर देना कुछ निकाल देना एग्जाम्पल है ब्रिटिश इंग्लिश में बोला जाता है बंच ऑफ की तो इंडियन इंग्लिश में इसको रिड्यूस करके की बंच। वैसे ही लव ऑफ गॉड इंडियन इंग्लिश में गॉड लव एंड एड्रेस ऑफ वेलकम और इंडियन इंग्लिश में वेलकम एड्रेस तो फ्रेंड्स अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए इससे ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए तो आप इग्नू के बुक को रिफ़र कर सकते हैं एम ई के जो स्टडी मटेरियल दिया गया है उसको रिफ़र कर सकते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बाय